ओम श्री गणेशा नमः माता पिता का कनेक्शन ग्रह नक्षत्र के साथ है। शास्त्र सम्मत माता पिता और नडन का कनेक्ट नवग्रह के साथ है, राशि के साथ है। आप बारीकी से सुनिए, माँ बापा को और नडन को कनेक्शन अपन को जातक और नवग्रह से तो कनेक्ट अच्छी वेद शास्त्र सम्मत। बारीकी से सुनिए, मु हिंदी रे कोई भी ऑल वर्ल्ड लोग जानी परिवे, अपन हिंदी रे बुझीबा पेंट के चेष्टा करिवे। विनम्र निवेदन, दान महिमा हमारे हिंदू और जैन धर्म के वेद शास्त्र जो ओरिजिनल वेद शास्त्र में जो दान का महिमा बतलाया गया, सुपात्र और कुपात्र। सुपात्र और कुपात्र, कौन सुपात्र और कौन कुपात्र, और दान कैसे दिया जाता वेद शास्त्र सम्मत। दान का कनेक्शन आपके पूर्व जन्म और वर्तमान नवग्रह राशि के साथ है। सर्वप्रथम हम आपको नवग्रह के बारे में बतलाते हैं। सूर्य ग्रह दोष निवारण आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, गेहूं या गेहूं है, गेहूं को वेद शास्त्र में कहा गया कनक। कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड। चंद्र ग्रह तथा सरस्वती लक्ष्मी प्रसन्नता, चावल आलू कपूर। चावल का अर्थ है अक्षत, अक्षत का अर्थ है यह दान कभी क्षय नहीं होता। मंगल ग्रह गेहूं, भूमि दान और लाल रंग का साड़ी, ये मंगल ग्रह का है, और सिंदूर। बुध ग्रह साबुत मूंग जिसे हरी मूंग कहा जाता है, चोपा मूंग जाको को आ जाए। गुरु ग्रह के लिए चने की दाल। शुक्र ग्रह चावल और शक्कर, शक्कर का अर्थ है चीनी, शुगर। शनि ग्रह सरसों तेल से अखंड दीप जलाना। राहु ग्रह सरसों तेल से अखंड दीप जलाना, और राहु ग्रह प्रसन्नता के लिए गेहूं दान देना। केतु कंबल, ठंड के दिनों में हम जो कंबल देते हैं केतु ग्रह के लिए। और भी अनेक सामग्री है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बतलाने में समय लगता है मुझे। या पहले देखिए, हम शिवालय में जो जाते हैं ये दूब लेके जाना जरूरी है, बेलपत्ता, श्री कर्पूर, गेहूं और काला तिल, जो जवधान, नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा के, और एक या दो रुपया का जो भी सिक्का लोहे का, और एक छोटा तांबा का नागसर्प, और हमने सरस्वती के लिए आलू दिया है, ये जरूरी है। अभी मैं शिव मंदिर जाऊंगा, राजधानी भुवनेश्वर में रहता हूं, दस महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं, सुनील मित्तल नाम मेरा, घर है मेरे केसिंग कालांडी। ग्रहों का दान, हमने जो नवग्रह का दान बतला या कोई पंडित ले नहीं सकता, पंडित ले नहीं सकता। पंडित किसको कहा जाता, पंडित किसी कास्ट जात से संबंध नहीं रखता, जो पांडित्य किया हुआ वही पंडित। पांडित्य का अर्थ जो है सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, उसे पंडित कहा गया वेद शास्त्र में। चार वर्ण बतलाए गए हैं। अगर कोई पंडित ले रहा है दान, या आप अगर दे रहे हैं, तो आपको कुपात्र का दोष लगेगा, कुपात्र दान देने का दोष लगेगा। वेद शास्त्र सम्मत बतलाता हूं मैं। आप कुपात्र को अगर दान दे रहे हैं, उसका 1% भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अनाज दान, नवग्रह के लिए अनाज दान कैसे दिया जाता है। आप विश्व के किसी भी गांव, शहर, देश, राज्य में रहते हैं, सर्वप्रथम आप अपने रिश्तेदारों के अंदर देखिए कोई गरीब है क्या, कोई दबा हुआ है क्या, तो उसे सर्वप्रथम आप गिफ्ट के तौर पे अनाज भिजवाए। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, तो आप ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी केसिंगा के नजदीक मेरे द्वारा निर्माण विश्व का 3 नंबर
मंदिर, विश्व में तीन ही मंदिर है भगवान धन कुबेर जी का, महाशक्ति पीठ में भिजवा सकते हैं या भिजवाना संभव नहीं है तो हम सिस्टम बतला देंगे। मुझे कॉल मत कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा, बारीकी से हम बतला देंगे। और जो धन कुबेर मंदिर में आपके द्वारा दान दिया जाएगा, वह दान हम क्या करेंगे वह भी बतलाना जरूरी है। केसिंगा के नजदीक कुटलपाड़ा गांव में धन कुबेर महाशक्ति पीठ है और पंचमुखी शिवालय। देखिए पंचमुखी शिवालय का अर्थ क्या होता है, गूगल में सर्च कीजिएगा कि वहां पंचमुख में कौन कौन महाशक्ति हैं और पंचमुखी वेद माता गायत्री देवी हैं। तो हमने गायत्री देवी के लिए अंबिकापुर से एक अग्रवाल जी से चैटिंग किया था, वो पहले साड़ी वगैरह बहुत भेजते थे हर तीन महीना में, अभी चैटिंग भी मेरा बंद हो गया, मैं व्यस्त रहता हूं, तो साड़ी वो पहले भिजवाते थे। आपके द्वारा दिया गया भगवान धन कुबेर मंदिर में अनाज दान आपके परिवार के नाम से पूजन करवा के वह अनाज को मंदिर क्षेत्र के 20 किलोमीटर रेडियस 20 किलोमीटर रेडियस सर्वे करना काम हमारा है। कौन गरीब है कौन असहाय है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस रेडियस के असहाय विधवा लाचार बच्चों के घर तक हम आपके द्वारा दिया गया दान गिफ्ट के तौर में उन्हें हम देंगे। विधवा लाचार का अर्थ है उनके घर में कोई कमाने वाला और सदस्य ना हो, वैसे व्यक्तियों को हम देंगे। अभी आप बारीकी से सुनिए, आपको बतलाया गया पंडितों को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य यह शब्द आपको किसने कहा, यह सब पंडितों ने ही कहा, इसका अर्थ क्या है। पंडित अपने मन माना दान लेने के लिए ही यह मनगढ़ंत शब्द प्रचार किए हुए हैं। पंडितों को दान लेना था तो इसीलिए इन्होंने कहा पंडितों को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है। आप अगर पंडितों को दान देते हैं तो आपको जीवन भर कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा, यह कड़वा सत्य है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, आप सूर्य देवता को अगर टॉर्च लाइट दिखाएंगे तो सूर्य देवता से आप कुछ भी आपको फल प्राप्त होना है नहीं, क्योंकि वह तो विश्व को प्रकाशित करते हैं। तो पंडित जो पांडित्य किया हुआ है प्रैक्टिकल, वह तो पहले से पेट भरपूर है, उन्हें तो किसी चीज का कमी नहीं है, वह तो किसी भी घर में जाके सरस्वती शास्त्र नाम का हवन कर दें, विष्णु शास्त्र नाम का हवन कर दें तो महीनों भर का अनाज उन्हें मिल जाएगा वहां से। लेकिन आपने उन्हें आलसी बनाया है ये दान दे दे के, यही कारण हुआ श्री गणेश शास्त्र नाम हवन नहीं करवाते, विष्णु शास्त्र नाम हवन नहीं करवाते, सरस्वती शास्त्र नाम हवन नहीं करवाते, तो आपने उन्हें आलसी बनाया, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। आप अपने जीवन को वेद शास्त्र समत गठन करने के लिए कोशिश कीजिए। पंडित किसे कहते हैं, अब चार वर्ण व्यवस्था देखिए, चार जो हमारे वर्ण हैं वेद शास्त्र के उसके अधीन एक पंडित आते हैं। लेकिन हम इंडिया में घूमते रहते तो दुकानदार भी बोल देता है जो पान बेचने वाला कि मैं पंडित हूं, जो सीमेंट का दुकान खोल के बैठा हुआ है वो भी बोलता है मैं पंडित हूं, जो राजनीति करता है वो भी बोलता है मैं पंडित हूं। हम पूछते हैं पंडित कैसे हुए, तुम तो दुकानदार हो वैश्य वर्ण में आओगे तो चुप हो जाते हैं, बोलते हैं हमारे 200 पीढ़ी पूर्वज पंडित थे। तो 200 पीढ़ी पूर्वज तो मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लूं, ये नहीं हो सकता। ये मनमाना वर्ण व्यवस्था फिर बदल नहीं हो सकता। अगर आप कोई बोल रहा है दुकानदार कि मैं पंडित हूं तो झूठ रहा है, उनसे सावधान रहिए। देश और धर्म को मलिन करने वाले व्यक्ति हैं
वृंदावन और बनारस के थ्योरी पंडित और साधु संत और साधियां, इन्होंने ही धर्म को मलिन किया है। और उन तक मेरा यह वीडियो भिजवा दीजिएगा। 33 कोटि देवी देवताओं का वास। अब आते हैं देवी देवताओं के ऊपर। 33 कोटि देवी देवताओं का वास, इन्होंने कहा है ये वृंदावन और बनारस वालों ने, गोमाता के शरीर में रहता है, लेकिन गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास रहता ही नहीं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास माता पिता, सास ससुर और नड़न के शरीर में वास रहता है। ये जैन धर्म का वेद शास्त्र खोल के देखिए, 32 आगम जो ओरिजिनल है, या हिंदू धर्म सनातन का खोल के देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। और अनजान लाचार विधवाओं के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। आप अगर नड़न का सेवा नहीं करते, घर नहीं बुलाते, सास ससुर का सेवा नहीं करते, मां बाप का सेवा नहीं करते, तो वह आपका जन्म कुंडली से कनेक्ट हो जाएगा, आपको अनेक ग्रह दंडित करेंगे। लेकिन यह प्रवचन देने वाले व्यासपीठ से यह कथा कहते ही नहीं है। आप यह वीडियो सुनने वाले, चलो कहा सुनी हो गया होगा नड़न से, कोई बात नहीं, आज आप अपने नड़न को, जो पति के बहन है, उनको आप बुलाइए और घर में उनका सेवा कीजिए। एक वर्ष के अंदर आपके घर में कैसा कैसा चमत्कार होगा यह आप खुद देख लीजिएगा। यह मेरा वेद शास्त्र सम्मत प्रचार है, मनमाना ढंग में प्रचार नहीं करता। आप वर्ष में एक बार भी कम से कम 51 केजी अनाज, कुछ भी अपने परिवार के नाम से, या धनवान है तो हर महीना भी भगवान धन कुबेर मंदिर में जब जरूर समर्पित करवाएं। उसके बाद देखेगा आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। किसान जो खेत में बुआई करते हैं, किसान, उसे पूर्ण विश्वास है धरती माता, धरती देवी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। वह अनाज का एक दाना धरती पर डालता है तो धरती माता, धरती की देवी देवता, उसे बोरा भर के अनाज देते हैं। लेकिन उसे भी सब्र करना पड़ता है, आपको भी सब्र करना पड़ेगा। अखंड जो जल रहा है सरसों तेल के धन कुबेर मंदिर में, आप अखंड जो जलवा सकते हैं, हर महीना 8 किलो तेल लगेगा। तो जब धरती माता ही किसान का दिया हुआ अनाज जो वापस करते हैं, क्योंकि एक किसान ने कर्जदार बनाया धरती माता को, देवियों को, तो देवी देवता कर्ज वापस करते हैं। तो आप धन कुबेर देवता को कर्जदार बनाइए, धन कुबेर देवता ये हैं, उन्हें आप कर्जदार बनाइए। धन कुबेर देवता कर्जदार बनते ही आपको, आपका भंडार को भर देंगे। आपसे मेरा एक ही निवेदन है, अपना जन्म कुंडली किसी को भी ना दिखलाएं, पहले अपने चिंतन कुंडली को ठीक कीजिए, संस्कार कुंडली को ठीक कीजिए। आपके अंदर चिंतन होना चाहिए कि आज हमारा एक बहन के पास कुछ नहीं है, बहन को हम मदद करते हैं, जन्म कुंडली समय के साथ ठीक होगा। भाई के पास कुछ नहीं है, भाई को कुछ भी मदद करते हैं, भाई के बच्चों को पढ़ाते हैं, जन्म कुंडली समय के साथ ठीक होगा। जो पांडित्य किया हुआ ये पंडित है, इन्होंने तो आपके पूर्वजों को भी स्वर्ग भेज दिया है। ये बोले कि आपके पूर्वजों के आत्मा को हम स्वर्ग भेज रहे हैं, स्वर्ग रहेंगे किसके घर में? आपने कभी चिंतन किया ये पंडित जितने भी आत्माओं को स्वर्ग भेजे हैं, स्वर्ग रहेंगे किसके घर में? और स्वर्ग इनके हाथ में नहीं है भेजना, ये तो स्वर्ग के नाम से भी लूट गए।
आप लुटवा गए। इसीलिए हम कहते हैं पंडित साधु संतों से हमेशा दूर रहें, इन्हें अपने घर कार्यालय कारखाना में आने ना दें, इनसे सावधान सतर्क होशियार जागरूक रहें। आज आपका गांव में जो भाईचारा खत्म हो चुका है आपके शहर में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रवचन देने वाले जिम्मेदार है, चाहे भगवा वस्त्र हो चाहे सफेद वस्त्र हो, यही जिम्मेदार है। हर गांव में 200-300 धनवान है और 300 धनवानों के 300 अलग अलग गुरु हैं, तो इसका अर्थ क्या है? पूरा गांव का इन्होंने बंटाधार बर्बाद कर दिया। जवानी, अभी आप जवानी में चल रहे हैं, 50 वर्ष अगर भी आपका उम्र है तो ये जवानी है। जवानी में धन कुबेर देवता को दिया हुआ अनाज दान, बुढ़ापे में वही अनाज दान वापस आपके घर में ही लौट के आएगा। सब्र करना पड़ेगा, धन कुबेर देवता शिव जी के अधीन में है, शिव जी जिसे आदेश देते जा बेटा धन कुबेर का मंदिर बना वही बनाता है, इसीलिए वर्ल्ड का 3 नंबर केसिंगा के नजदीक कुल्लूपाड़ा गांव में मेरे माध्यम से बनाया गया है। पितृ भोजन, साल में जो एक बार पितृ भोजन आता है, किसी भी पंडित पंडिताइन को बुला के घर में ना खिलाएं। पंडित की वाइफ मिसेस पंडिताइन नहीं है, वेद शास्त्र खोल के देखिए, वर्ण व्यवस्था। हमने पंडित किसे कहा है? जो पांडित्य किया हुआ है वो भी प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं। तो भोजन आप किसे खिलाएं? विधवा महिला और उनके बच्चों को घर में बुला के भोजन खिलवाएं। और धनवानों से मेरा निवेदन है और जानकारी देना चाहता हूं, आप वृंदावन पैसा भेजते हैं, वृंदावन में है गरीबी? ये वृंदावन वाले प्रचार करते हैं, आज हम गौ माता को भोजन खिला रहे हैं पैसा भेजो, आज हम लंगर करवा रहे हैं पैसा, वृंदावन में है गरीबी? गरीबी वृंदावन में नहीं है। मैं उस क्षेत्र का निवासी हूं जिस क्षेत्र में भूखमरी है। आज मैं रहता हूं भुवनेश्वर राजधानी में, मैं कालाहांडी का रहने वाला हूं, वर्ल्ड रिकॉर्डेड डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी का। हमारे क्षेत्र में गरीबी है, आइए आप वृंदावन वाले, कहां आप सेवा कर रहे हैं? वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, कालाहांडी में आइए और वहां सेवा करवा के दिखाइए आप। छोटे छोटे मासूम बच्चे, भोजन दूध के लिए तड़प रहे हैं, तो गरीबी कालाहांडी में, वृंदावन में गरीबी नहीं है। अगर वृंदावन में कोई बोल रहा है गरीबी है पैसा भेजो, तो इसका अर्थ है आपने धर्म को वृंदावन में मलिन किया है। लोगों को तो आपने बताया कि वृंदावन तो बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ है, फिर गरीबी कहां से वहां? या गरीबों के सेवा, गोमाता के सेवा के नाम से आप अपना बैंक बैलेंस बढ़वा रहे हैं क्या? बैंक बैलेंस बढ़वा रहे हैं? ये व्यासपीठ में बैठ के 2-4 प्रवचन सुना के आंख से आंसू निकाल के पैसा कलेक्शन करने का धंधा बना रखे हुआ। यही कारण कहते हैं हम कि वृंदावन वालों ने और ये बनारस वालों ने धर्म को मलिन किया। इन्हें वेद शास्त्र का क्या ज्ञान मालूम है? चाहे जन्म कुंडली देखने वाले हो, आपको नहीं मालूम वेद शास्त्र का? कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाए नींबू और सरसों तेल लेके जाएगा या नहीं, इसका रहस्य क्या है? अकाल मृत्यु दोष टलता है। ये क्या है? दूब राहु ग्रह शांत करने के लिए। गेहूं क्या है? कनक सोना। आपने कभी प्रवचन में बोला जन्म कुंडली किसी को न दिखा? जन्म कुंडली जहां दिखाए आप, वहां आपका फंसना तय है। वायुमंडल नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, भूत प्रेत राक्षसी शक्ति नागतंत्र घूम रहे हैं। इसीलिए हमने हर व्यक्ति को कहा आप ऑनलाइन से मंगाइए, मैं भी भेजता हूं, लेकिन आप के तसल्ली के लिए आप ऑनलाइन से मंगवाइए। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रखिए, यह जिसके घर में कारखाना में दुकान में वास रहेगा उसके नजदीक भूत प्रेत राक्षसी शक्ति नहीं आ सकते। इसका इतना सकारात्मक ऊर्जा पावर फेंकता है,
कोई पूजन जरूरत नहीं है। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का सरसों तेल रखिए, महीना दो महीना 15 दिन जब आपका इच्छा, ओम नमः शिवाय, बस यही है पूजन। मन किया समी का पता, समी ऐसे एमआई, ओम नमः शिवाय चढ़ा दिए, बस यही पूजन है। हर घर में रहना चाहिए नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, शालिग्राम, सुदर्शन चक्र और गरुड़ देव है तो जरूर रहना चाहिए। ये जो राम कथा कह रहे हो आप वृंदावन वाले, राम कथा में तो आप गरुड़ जी का नाम नहीं लेते, राम जी के गुरु कौन थे? गरुड़ देव है। राम जी और लक्ष्मण जी को जब नागफास से मारा गया तो बचाने वाला कौन है? गरुड़ देव है। हर घर में गरुड़ जी का मूर्ति रहेगा। नागतंत्र भयानक घूम रहे हैं वायुमंडल में, और रुद्राक्ष माला आप जरूर खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, मैंने भी बहुतों को भेजा, महिलाएं बहन बेटी जरूर पहने, क्योंकि नागतंत्र भयानक घूम रहे हैं आकाश वायुमंडल में। सकारात्मक ऊर्जा रुद्राक्ष माला से आपका रक्षा रुद्राक्ष माला करेंगे। चाहे रुद्राक्ष माला धारण कीजिए, चाहे रुद्राक्ष का एक अंगूठी पहनिए, चाहे रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, कुछ भी शरीर में रहना चाहिए रुद्राक्ष का, और सब ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। ये हमारे प्रदीप भाई जो अभी शिव कथा नया नया मोला आला आला पुकार जो कर रहे हैं, ये डुप्लीकेट ओरिजिनल बतला रहे हैं। शिव जी का तो मैं भी प्रचारक हूं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, ओरिजिनल डुप्लीकेट क्या बतला रहे हैं ये। कोई भी रुद्राक्ष आप ले आइए, कोई भी रुद्राक्ष हो भद्राक्ष हो, हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, ऐसा हाथ में लीजिए, टॉच कर दीजिए, अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा, ले आइए। पैसा कमाने का धंधा बना रखे हैं ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट, ओरिजिनल डुप्लीकेट, डुप्लीकेट सब खरीदे। गरीब से गरीब आदमी भी हम कहते हैं कि अपना सुरक्षा कीजिए, परिवार का सुरक्षा कीजिए। मंदिरों में कुछ दो चैना दो नींबू में सरसों तेल, 1 रुपया का कॉइन चढ़ा दीजिए, 1 बेलपत्ता हाथ में लीजिए, अपने परिवार का नाम बोलकर चढ़ा दीजिए, तो वेद शास्त्र को इन्होंने मलिन कर रखा है। ये वृंदावन वाले आप जो कथा बाँचते हैं, किसके अंदर बाँचते हैं? धनवानों के अंदर बाँचते हैं आप कथा, क्यों? धनवानों को आपने गुलाम बना के रखा है। हम तो हमारे सभी परिवार जो जितने जैन बने हुए हैं उन्हें भी कहते हैं जैन धर्म के साधु संतों से दूर रहे। मैं अपने परिवार रिश्तेदार को बोल रहा हूं, मैं और दूसरे जैनियों को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इनके प्रवचन में एक शुद्ध सत्यता नहीं है। नंबर दो, यह प्रचार कहां करते हैं? ये प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, संत नहीं है, सिद्धि प्राप्त नहीं है, यह तो सिर्फ धनवानों के अंदर प्रचार करते हैं। पैसा नहीं लेते तो क्या हुआ, धनवानों के अंदर प्रचार करेंगे, वाह क्या सन्यासी है ये। मैं तो गरीबों के अंदर प्रचार करता हूं, मैं भी फकीर आदमी हूं, सन्यासी हूं, मैं तो गरीबों के अंदर प्रचार करता हूं। ये तो धनवानों के अंदर, चलिए जो मंदिर जाने का टाइम हो गया, ये वीडियो को जन जन तक भेजिए।